एसपी और डीएसपी दोनों का हाथ है। मेरे भाई को जान मार दिया, मेरे भाई फांसी नहीं लगाया, मेरे भाई को जान मारा गया है, मर्डर किया गया है। भैया बोले थे हम कंप्लेन कर देंगे, ऐसे सर से जेल चलते मार दिया इन लोग। भागलपुर में सार्जेंट की पद पर तैनात जवान का शव गया पहुंचते ही कोहराम मच गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जिले के चिरकी थाना क्षेत्र के चमड़ी गांव निवासी 28 वर्षीय अभिषेक कुमार का शव गांव पहुंचते ही लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने शव के साथ चिरकी मुख्य सड़क मार्ग के वायरलेस गांव के समीप सड़क जाम कर दिया, साथ ही आगजनी कर प्रदर्शन करने लगे। गौरतलब है कि अभिषेक कुमार भागलपुर के पुलिस लाइन में सार्जेंट के पद पर तैनात थे। आज उनका शव गया पहुंचा, जिसके बाद परिजन व स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोग पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस संबंध में मृतक के छोटे भाई विवेक कुमार ने बताया कि कल फोन पर हमें यह जानकारी भागलपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा दी गई कि अभिषेक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जिसके बाद हम लोग वहां पहुंचे, तब वहां मौजूद भागलपुर के पुलिस कर्मियों ने बताया कि अभिषेक ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि अभिषेक कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। वो फोन पर भी लगातार जानकारी दे रहा था कि पुलिस लाइन के डीएसपी व मुंशी फर्जी कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे हैं। दो दिन पहले अभिषेक ने बताया था कि यह बात हमें पता चली है कि हमारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कई कागजात पर हस्ताक्षर किया गया है। उसने डीएसपी और मुंशी को ये हिदायत दी कि वो पूरे मामले की जानकारी भागलपुर के एसएसपी को देगा। संभवतः इसी से नाराज उक्त पुलिस कर्मियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है। जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा उसका हाथ भला कैसे टूट सकता है। जब हम लोग वहां पहुंचे तब उसका हाथ टूटा हुआ था, शरीर पर भी कई जगह जख्म के निशान थे। उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। डीएसपी दोनों का हाथ है, मेरे भाई को जान मार दिया, मेरे भाई फांसी नहीं लगाया, मेरे भाई को जान मारा गया है, मर्डर किया गया है। भैया बोले थे हम कंप्लेन कर देंगे, ऐसे सर से जेल चलते मार दिया इन लोग। भैया को फर्जी साइन उन लोग कॉपी कर लिया था, बार बार ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बाद में पता चला तो भैया के दो दिन पहले पता चला है कि मेरा फर्जी साइन उन लोग बना लिया है। कौन बनाया था? मुंशी और डीएसपी का भी, लाइन डीएसपी का भी आता है। ये कहाँ पदस्थापित है? भागलपुर में। किस पद पर थे? सार्जेंट थे। तो कैसे आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि क्या हुआ? वहाँ से फोन आया कि जल्दी चले आइए, उनका तबीयत कैसे खराब है। तो गए तो क्या वहाँ पर? वहाँ जाने के बाद वहाँ एक और आदमी था, वो फोन कर दिया कि आपका भाई को फांसी लगा लिए हैं। वहाँ जाने के बाद तो साहब बोले थे दो दिन पहले कि मुंशी मुझको बहुत तंग कर रहा, कहता कि तुमको पता तुमको एसएसपी तक नहीं पहुँचने देंगे कंप्लेन करने। उसका नाम बताए थे मुंशी? अर्जुन नाम है उसका। तो आप लोग गए तो मतलब क्या शरीर पर निशान वगैरह थे? कैसे कितना हुआ था? हाथ ऐसे मुड़ाया हुआ था जबकि हाथ फौज होता है हाथी में। वहीं स्थानीय महेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अभिषेक बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था। दो साल पहले उसकी नौकरी सार्जेंट के पद पर लगी थी। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन वहां के पुलिसकर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसकी हत्या को आत्महत्या बता रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सरकार के द्वारा भी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। मेरे भी लड़का था, घर में दूसरा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। उचित न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अपना नाकामी छुपाने के चलते किसी पर दोष मढ़ दे के आत्महत्या कर लिया, तो गलत बात है। अभी आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं तो किसी पदाधिकारी को भी बोला? अधिकारी सीनियर एसपी साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं अपने। क्या मांग रखे हैं? मांग रखे हैं उनके परिवार को, वो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो परिवार है, भाई है, उसका कुछ मिलना चाहिए। मामले की जांच होनी चाहिए। मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसा तो भाई घर का भी कोई मत नहीं था कि वो शादीशुदा रहता है तो पति पत्नी भी झगड़ा हुआ कुछ करता है। पुलिस लाइन में तैनात वाहन कुसांग प्रभारी अभिषेक कुमार ने पंखे से बिजली के तार का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मामले को लेकर मृतक अभिषेक के भाई विवेक ने बताया कि मेरे भैया अच्छे इंसान थे, मगर एमटी विभाग के मुंशी और दो तीन चालक फर्जी चालान पर दस्तखत करवा कर पैसे का भुगतान ले लेते थे। इन्हीं लोगों की वजह से भैया परेशान रहा करते थे। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की थी, मगर कोई जांच आदि नहीं की गई। विभाग की संवेदनहीनता से मेरे भाई की जान चली गई। वहीं मामले को लेकर आज एसएसपी आनंद कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। समझ में नहीं आता कि आत्महत्या जैसा कदम उन्होंने क्यों उठाया। अभिषेक का मोबाइल एफएसएल की टीम को जांच के लिए दिया गया है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से भी
बहुत कुछ साफ होगा, उनके साथ रहने वाली पुलिस टीम से पूछताछ की जा रही है कि उनका पिछले कई दिनों से किस तरह का व्यवहार था। परिजनों के आरोप के आधार पर एक सिपाही के खिलाफ एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वार्ता कल एसएसटी थाने में एक कर्मचारी थे, इनका शव उनके कमरे में मिला तो संदर्भ में आयोजित की गई। कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी है जो इस पूरे मामले का जो आपराधिक कोण है उस पर जांच कर रही है। कल जब ये घटना प्रकाश में आई तो वहाँ पे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम भी आई और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह घटना आत्महत्या की है। लेकिन कल रात में इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि घटना हत्या है या आत्महत्या है। और अगर आत्महत्या की बात करें तो उसमें भी कुछ एंगल सामने आए हैं। एक तो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है एक सिपाही के ऊपर, उससे हमारी जो एसआईटी है उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है और उनके जो मोबाइल थे उनको खंगालने के उपरांत भी कुछ एक नंबर था जिससे लगातार उनकी बात हो रही थी और जिस दिन रात में घटना हुई है उस नंबर से उन्होंने बात करने का प्रयास आखिरी वक्त तक किया लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। तो उस बिंदु पर भी जो एसआईटी है दोनों बिंदुओं पर एसआईटी जांच कर रही है और उस पर जो भी साक्ष्य आएंगे तो साक्ष्य अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो एमपी सेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पुलिस विभाग में जितने भी बिल्स निकलते हैं सभी बिल्स की वार्षिक अंकेक्षण जो महालेखाकार है भारत सरकार का एक बड़ा विभाग है उनके द्वारा वार्षिक उनकी जो ऑडिट टीम आती है और वो एक एक बिल की पड़ताल करती है। फिर भी जो आरोप लगाए हैं इसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक आंतरिक अंकेक्षण कमेटी बनाई है जो कि श्री कैलाश प्रसाद जो कि बिहार पुलिस सेवा के शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं और यहाँ पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर वन के पद पर पदस्थापित हैं उनके नेतृत्व में टीम बनी है जो कि पिछले 6 माह में जितने भी उस शाखा में जितने भी बिल्स निकले हैं उन सारे बिल की गहनता से और सूक्ष्मता से जाँच करेगी और अगर कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी स्तर पर तो उनको चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी तय करके उस पर कार्रवाई की जाए। एसआईटी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले एकाध दिन में एसआईटी किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी ये मामला क्या था और इस मामले के पीछे कौन दोषी है। इस पूरे चीज़ों की जांच के लिए जो हमारी जो इंटरनल ऑडिट कमेटी हमने बनाई है वो तो सारी चीज़ों की जांच करेगी, ठीक है ना, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। और ये जांच वार्षिक स्तर पे होती है महालेखाकार के द्वारा, ये इस साल भी होगा लेकिन उसके पहले हम लोग अपने इंटरनल ऑडिट करा के चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। केस दर्ज हो गया सर इसमें? हाँ, इसमें जो परिजन है उनके बयान पर कांड दर्ज किया गया है। कोई नेम भी? एक नेम है उनके, एक सिपाही पर नेम किया गया है, अन्य लोगों के अज्ञात। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है और हम लोग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज संभवतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी तो हत्या के मतलब जैसे मौत हुई मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल जाएगा। हालांकि जो एफएसएल की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला था कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। किस धारा में सर केस दर्ज किया गया? केस 302 और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया। सर किस पर नामजद नामजद बनाया गया है? सिपाही है? हाँ, एक सिपाही है अर्जुन उसका नाम है तो उसको नामजद करते हुए और 3-4 अन्य लोगों का अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने किया कांड दर्ज किया। सिपाही सर वो विभाग से जुड़े उसी विभाग? हाँ, सिपाही है तो विभाग से ही है और पूछताछ हो रही है। हाँ, पूछताछ हो रही है और अन्य लगभग 4-5 और लोगों से इस पूरे मसले पर पूछताछ चल रही है। एसआईटी के द्वारा लगातार कल से पूछताछ चल रही है तो उसमें जो भी अग्रतर साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सर मान सकते हैं कि सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? हिरासत में नहीं कहेंगे, पूछताछ हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है, साक्ष्य अनुसार कार्रवाई परवाह में लेकर जल्द।
बिल्कुल जिस पे भी दोष सिद्ध होगा साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी।